फिल्म की शुरुआत में हमें 1953 का समय दिखाया जाता है, जहां एक घर में तीन बच्चे मैक्स, एना और मैरी किसी तरह का गेम खेल रहे थे कि तभी उनकी मोमबत्ती बुझ जाती है, जिसे वो 10 सेकंड के अंदर फिर से जला देते हैं और वो तीनों बच्चे एक नमक के गोले के अंदर बैठे होते हैं कि तभी पीछे से कोई सामान अपने आप ही गिर जाता है, जिससे डरकर मैक्स चिल्ला देता है कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा, गेम खत्म हो चुका है। पर फिर तभी एक डरावनी आवाज उससे कहती है कि अब भी गेम खत्म नहीं हुआ है, और उस आवाज को सुनकर मैरी डर के मारे गोले के बाहर आ जाती है। वो दोनों अब उसे तुरंत अंदर आने को कहते हैं, लेकिन तभी कोई शैतान मैरी को पीछे से अपनी तरफ घसीटते हुए ले जाता है, जिसके बाद वहां से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे मैक्स और एना दोनों एकदम डर जाते हैं। मैक्स कहता है कि अब 3:33 हो चुके हैं, इसलिए गेम खत्म हो चुका है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो दोनों फिर वहां से भागकर घर के नीचे आ जाते हैं। पर उनके नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि घड़ी में अब भी 3:30 हो रहे हैं, यानी कि गेम अभी भी बाकी था। मैक्स भाग करके घर के बाहर चले जाता है, लेकिन एना उसे मना करते हुए कहती है कि हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, जिस पर मैक्स कहता है कि हम पहले से ही मुसीबत में। और फिर तभी उसके पीछे से वो शैतान आकर उसे अपने आप में ही एक्सप्लोड कर देता है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद एना घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट समय की तरफ मुड़ जाती है, जहां हम एना को देखते हैं जो अब बुजुर्ग हो चुकी है, और इस घर में वो सिर्फ अपनी पोती एलेक्स के साथ रहती है जो उनका ख्याल रखती है। एलेक्स अब जब एना के कमरे में आती है तो एना अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देती है, जिस पर एलेक्स कहती है कि आपको अभी सो जाना चाहिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, और फिर वो उन्हें बेड पर लेटा कर नीचे आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड माइल से बात करने लगती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उससे सवाल करता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं, जिस पर एलेक्स उसे हाँ में जवाब दे देती है। पर तभी उसे एना के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो एकदम डर जाती है और तुरंत एना के कमरे में पहुंचती है, लेकिन वहां एना एकदम शांत नजर आती है, मानो कि जैसा यहां कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्स अब उनसे सवाल करती है कि यहां कुछ हुआ था क्या, लेकिन एना ना में जवाब देकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए मेरा आईना ला होगी, क्योंकि उसे मैंने बचपन से संभाल कर रखा है। दरअसल बचपन में हुए उस हादसे के कारण ही एना हमेशा डरी हुई रहती है और वो चाहकर भी उस डरावनी यादों को भुला नहीं पा रही है। एना अब कहती है कि वो आईना एटिक में एक बॉक्स के अंदर रखा है, इसलिए अब एलेक्स उसे ढूंढने एटिक की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे एक कमरे में कोई अनजान इंसान दिखाई देता है जो सफेद कपड़े से ढका था, जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाती है। पर जब वो उसका कपड़ा हटाती है तो वो बस एक मैनिक्विन था, जिससे अब उसके जान में जान आ जाती है। इसके बाद वो एटिक में आकर उस बॉक्स को निकालती है, जिसके अंदर से उसे कुछ बुलेट्स और एक गन भी मिलती है, और वहीं उसे एक छोटा बॉक्स भी दिखाई देता है जिसे पूरी तरह से धागा से बांधा गया था, जिसे उठाकर वो उसे साइड में रख देती है। अब उसे वो आईना भी मिल जाता है, पर तभी माइल्स आकर उसे फिर से डरा देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस बॉक्स में रखी सारी चीजें देखने लगते हैं। एलेक्स उसे वही बॉक्स देती है जिसे माइल्स खोल देता है, जिसके अंदर से उन्हें कुछ मोमबत्ती और एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे और उन नामों के आगे उनका थोड़ा खून भी लगा था, जिसमें एना का भी नाम होता है। माइल्स को अब वहाँ कुछ फोटोज भी मिलते हैं और उस फोटोज के पीछे उनके नाम और उन्हें जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में लिखना था। पर तभी वहाँ एना आ जाती है जो उन पर चिल्ला देती है कि तुमने ये गेम क्यों खोला, और फिर ये कहते हुए वो वही बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद एक डॉक्टर हार्डिंग और उसका असिस्टेंट एलन दोनों घर आकर एना को चेक करते हैं। हार्डिंग कहते हैं कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। दरअसल हार्डिंग एना के बचपन के दोस्त है और वो ही उनका बचपन से इलाज करते आ रहे हैं जब से वो बीमार पड़ी हुई है। अब सभी वहाँ से नीचे आ जाते हैं और एलन कमरे में ही रुक कर एना को इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगता है। वही नीचे हार्डिंग एलेक्स से कहते हैं कि जितना हो सके उन्हें एटिक में जाने मत देना, जो बचपन में हुआ वो उसे अभी तक भुला नहीं पाई है। वहीं इधर एलन एना को इंजेक्शन लगाकर नीचे आ जाता है, पर उसके जाते ही एना अपनी आंख खोल लेती है, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एलेक्स माइल से कहती है कि एना किस गेम के बारे में कह रही थी, हमें उसे जरूर देखना चाहिए। और वहीं एना बेड से उठकर अपने आप को अलमारी के अंदर बंद कर लेती है। अब माइल्स और एलेक्स दोनों उस गेम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे खेला जाता है। फिर तभी एलेक्स को इंस्ट्रक्शन पेपर मिलता है
जिसमें लिखा होता है कि सबसे पहले एक सुई को अपनी उंगली में चुभोकर खून को एक पेपर में लगाना है जहां उनका नाम लिखा होगा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मोमबत्ती जलानी है और घर की सारी लाइट को बंद करना है, जो बेवकूफ ऐसा ही कर देते हैं। अब उन्हें उस पेपर को घर के मेन गेट पर चिपकाना है, पर गेट लकड़ी का बना होना चाहिए, जिसके बाद उन्हें दरवाजे पर 22 बार नॉक करना है और उसे ऐसे नॉक करना है कि 22वां नॉक एग्जैक्ट 12 बजे हो। वो दोनों बेवकूफ ये भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करते हैं, पर जैसे जैसे एलेक्स नॉक कर रही थी, अलमारी के अंदर से एना डर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो 22वां नॉक करती है, एना एकदम से हंसने लगती है। इसके बाद फिर माइल्स मोमबत्ती को घर के बाहर ले जाकर बुझा देता है और ये करने के बाद वो घर के अंदर आ जाता है और फिर एलेक्स मोमबत्ती फिर से जलाने के बाद इंस्ट्रक्शंस के पेपर को पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मिडनाइट मैन अब घर में आ चुका है, कैसी भी करके उससे 3:33 तक बचे रहो। पर दरअसल पेपर आधा ही था, इसलिए आधा हिस्सा ढूंढने दोनों फिर से एटिक में जाते हैं। फिर तभी एलेक्स को एना के कमरे से फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर वो मोमबत्ती लेकर उसके कमरे में पहुंच जाती है। इधर माइल्स को इंस्ट्रक्शन का आधा पेज मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ एलेक्स एना के कमरे में आकर उसे ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो बाथरूम में आकर चेक करती है कि शायद वो वहां होगा, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने मोमबत्ती को बाहर ही रख देती है। वहीं इधर एलेक्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यदि आपकी मोमबत्ती बुझ जाए और उसे 10 सेकंड के अंदर ना जलाया जाए तो मिडनाइट मैन तुम्हें ऐसे भयानक विजन दिखाएगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और फिर तभी एना एलेक्स की मोमबत्ती को बुझा देती है और उसके ऐसा करते ही बाथरूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है और तभी एलेक्स के पीछे मिडनाइट मैन पहुंच जाता है, जिससे वो एकदम भयभीत हो जाती है। और ऐसा करने के बाद एना अपने बेड पर पहुंच जाती है, यानी कि वो भी उस मिडनाइट मैन के साथ है। अब देखते ही देखते बाथटब खून से भर जाता है और वहीं एलेक्स दीवार पर एकदम घिनौने रूप में लटकी होती है और अगले ही पल वो बाथटब के अंदर आ जाती है। वहीं एना कुछ मंत्र भी पढ़ने लगती है, जिससे अब एलेक्स के मुंह से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। पर सही समय पर वहाँ माइल्स आ जाता है, जो उसे कहता है कि सब ठीक हो चुका है, जो तुमने देखा वो सब बस एक विजन था, जिसके बाद फिर एलेक्स फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब माइल्स उसके इर्द गिर्द नमक का गोला बना देता है और उसे उसकी मोमबत्ती भी ला कर देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे वो पेज मिल गया, उसके अनुसार हम एक जगह नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा और जब हमारी मोमबत्ती बुझ जाए तो हमें तुरंत नमक के गोले के अंदर आना होगा, जो एक सुरक्षा कवच है। माइल्स अब कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, यदि मैं उसके विजन से नहीं डरा तो वो भाग जाएगा, इसलिए वो मैनिक्विन के पास आकर मोमबत्ती बुझा देता है, लेकिन 10 सेकंड होने के बाद कुछ नहीं होता और तभी वो मैनिक्विन अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और उसके पीछे मिडनाइट मैन पहुंच जाता है, जो उसका मुंह पकड़कर कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें डर से डर लगता है, और ये कहकर वो उसके मुंह को इतना जोरों से दबाता है कि उसका मुंह फटने लगता है। और इसके बाद मिडनाइट मैन कहता है कि कोई और भी गेम खेलने आ रहा है और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। माइल्स अब एलेक्स के पास आता है, जो अब ठीक हो चुका था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां उनकी दोस्त केली आ जाती है। वो अब दोनों को परेशान देख उनसे परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो उन्हें सारी बात बता देते हैं। केली कहती कि मैंने इसके बारे में सुना है, वो हमारे डर के साथ खेलता है और जब भी वो आसपास होगा तो ठंड एकदम से बढ़ जाएगी। पर अब वो भी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। उनके बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती और अपना भी खून पेपर पर लगा देती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी अपनी मोमबत्ती लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। और अब वो तीनों एक जगह आ जाते हैं जहां एलेक्स उनसे कहती कि मेरी माँ ने मेरे सामने फांसी लगा ली थी, जिनके मरने पर एना को जरा भी दुख नहीं हुआ और एना ने उन्हें भी वो आईना एटिक से लाने को कहा था, शायद वो भी उस गेम को खेली होंगी जिससे डर कर ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर तब तक वहाँ मिडनाइट मैन पहुंच जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं और उनकी मोमबत्ती भी बुझ जाती है, लेकिन वो उसे समय रहते जला लेते हैं। पर फिर ऊपर एक लीक पाइप के कारण केली की मोमबत्ती पर पानी गिर जाता है, जिससे उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है और फिर से वो जला नहीं पाती, इसलिए वो उसे नमक के गोले में डाल देते हैं और वो कहते हैं कि मोमबत्ती खत्म होने ही वाली है, इसलिए हम दूसरी लेने जा रहे हैं, तब तक तुम यही रुकना। अब उनके जाने के बाद केली कहती है कि मुझे मिडनाइट मैन से डर नहीं लगता, पर तभी उसके सामने वो फिर प्रकट हो जाता है और
और एक पानी की बाल्टी में छेद करके पानी गिराने लगता है जो सीधे केले के नमक के गोले के पास जा रहा था। लेकिन वो समय रहते एक पॉट की मिट्टी वहां रख देती है जिससे पानी आना बंद हो जाता है। पर अब उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो पूरे बाल्टी का पानी डालकर गोले को तोड़ देता है और अब एक खरगोश की शक्ल ले लेता है जिसे देख केली एकदम से डर जाती है क्योंकि उसने बचपन में खरगोश को मार डाला था। और फिर देखते ही देखते मिडनाइट मैन उसे नियंत्रित करके चाकू से उसका गला कटवा देता है जिसके बाद अब वो विजन से बाहर आ जाती है। अब घर में हार्डिंग पहुंच जाता है जो एलेक्स और माइल से कहता है कि तुम्हें उस गेम को नहीं खेलना चाहिए था। वो उन्हें एक शॉकिंग जानकारी देता है कि जब एना ने वो गेम खेला था तो मैं वही कमरे में छिपा हुआ था। एना ने मुझे खेलने से मना कर दिया क्योंकि मैं छोटा था। उस समय सिर्फ एना बच पाई और वो अब तक उसी के वश में रहती है जो उसे प्लेयर सप्लाई करती है। और मिडनाइट मैन को हारना पसंद नहीं है इसलिए वो चीटिंग करता है। वहीं इधर केले को फिर से अजीब विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो अपने बचपन वाले कमरे में पहुंच जाती है जहां खरगोश मृत अवस्था में पड़ा था। और तभी वहां मिडनाइट मैन पहुंच जाता है जो उसे कहता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। और अब हम केले को वहीं देखते हैं जहां उसने अपना गला काटा था जो अब मर चुकी थी। अब वहीं बाकी भी पहुंच जाते हैं और केले को मृत देख वो घबरा जाते हैं। हार्डिंग अब कहता है कि हमें एडिक में जाकर गेम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो सभी मारे जाएंगे। इसलिए अब वो तीनों एटिक में आ जाते हैं और नमक का गोला बनाकर उसके अंदर खड़े हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एना आ जाती है जिससे एलेक्स सवाल करती है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा, जिस पर एना कहती कि वो बस गेम हार गई थी। हार्डिंग अब एना से विनती करता है कि सभी को छोड़ दो कि तभी एलेक्स हार्डिंग को गोले के अंदर आने को कहती है पर वो जवाब देता है कि मैं गेम का हिस्सा ही नहीं हूँ इसलिए वो मुझे नहीं मार सकता। पर एना उसे समझाती है कि वो नहीं तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ और फिर वो उसे धाराशाही करके मारने पड़ती है और हार्डिंग बेचारा उसका सामना नहीं कर पाता और एना अंत में उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। अब एलेक्स उस पर गन तानकर कहती है कि तुमने बहुत गलत किया पर एना उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है और वो उसकी बातों में आकर उसे हेडशॉट मार देती है जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तभी फिर वहाँ मिडनाइट मैन भी पहुंच जाता है और वही अब घड़ी में 3:30 बज चुके थे जिस पर अब एलेक्स उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अब बस 3 ही मिनट बचे हुए हैं और तुम इस बार अपने आप को हारता देखोगे, जो सुनकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद भी वो दोनों 4 बजे तक गोले में ही रुकते हैं जिसके बाद अब माइल्स गोले से बाहर आकर हार्डिंग को देखता है जिसने उनके लिए अपनी जान दे दी। पर जब वो उसकी घड़ी देखता है तो उसकी घड़ी में सिर्फ 3:30 बज रहे थे यानी कि मिडनाइट मैन ने चीटिंग करके सारी घड़ी के टाइम को आगे बढ़ा दिया था। तभी फिर वहां मिडनाइट मैन पहुंच जाता है और वो माइल्स के मुंह में हाथ घुसाकर आर पार कर देता है जिससे बेचारे माइल्स की वहीं मृत्यु हो जाती है। और अब वो एलेक्स के पास आकर कहता है कि अब गेम ओवर हो गया है जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है क्योंकि शायद मिडनाइट मैन ने एलेक्स को भी मार दिया होगा या फिर उसका भी एना की तरह प्रयोग करेगा जो उसके लिए प्लेयर्स लाकर देगी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम एलन को देखते हैं जिसके बेटे के पास वही गेम वाला बॉक्स था जिसे वो एलन को दिखाकर कहता है कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ, जिस पर वो उसे अनुमति दे देता है जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।